नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जो मैं आपके लिए नेट से संबंधित आपके टॉपिक ला रही हूँ, उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाते हुए बच्चों सबसे जो हमारा प्रथम पेपर है अनिवार्य जो होता है हमारा उसी का ही हम अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि ये पेपर हमारे सभी विषय के बच्चों के लिए अनिवार्य है। इसीलिए प्रथम पेपर का हम आगे से जो प्रथम पेपर है हम उसी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। हमारा टॉपिक था शिक्षण अभिवृद्धि अभिक्षमता का हम अध्ययन कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको शिक्षा के बारे में बताया जो, और उसके आगे मैंने आपको शिक्षण के बारे में बताया। इसके आगे मैं आपको शिक्षण की जो हमारी कुछ अवधारणाएं होती हैं, शिक्षण से संबंधित हमारी कुछ अवधारणाएं हैं उनके बारे में मैं अध्ययन कर रही हूँ। क्योंकि बच्चों कई बार ये होता है कि हमारी जो शिक्षण की अवधारणाएं हैं उसके अंदर से हमें ये पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी इसकी अवधारणाएं हैं। अगर हमें इनकी अवधारणाओं के बारे में नहीं पता चलेगा तो हम उनके जो उनके प्रवर्तक हैं उनके बारे में हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमसे पूछ लिया जाता है कि प्रकृतिवाद के जन्मदाता कौन थे, प्रकृतिवाद के जो हमारे प्रवर्तक थे वो कौन थे, प्रयोजनवाद के कौन थे, आदर्शवाद के कौन थे, या आदर्शवाद की हमें कोई परिभाषा दे दी जाती है शिक्षण से संबंधित। तो ये हमारे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे नेट का जो टारगेट होता है वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा होता है, उसे किस तरह से घुमा के दिया जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए, हम कहते हैं ना कि हमारे लिए उच्च शिक्षा के लिए हमारी लास्ट हमारा टारगेट होता है कि हमें किस तरीके से हमारी शिक्षा। तो जब तक ये हमारी शिक्षण के बारे में जो हमारी ये छोटी छोटी चीजें हैं अगर हमें पता नहीं चलेंगी तो हम उन क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा तो हमारे किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन हमारे घुमा के आता है तो हम उस क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो इसीलिए हम इसके बारे में, आज टॉपिक हमारा छोटा है लेकिन ये महत्वपूर्ण है और ये हमारे आते हैं। मैं जो आपको टॉपिक बता रही हूँ बच्चों, अगर ध्यान से आप देखेंगे मैं आपसे श्योर कह सकती हूँ कि इनमें से हमें कुछ प्रश्न हमारे अवश्य आएंगे। तो प्लीज ये सारे क्वेश्चंस और जो हमारा कंसेप्ट है उसे आप ढंग से और ध्यान से देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके कुछ बिंदु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन्हीं का ही अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं। अब है हमारा शिक्षण अभिवृद्धि अभिक्षमता। इसमें हम देखेंगे शिक्षण से संबंधित हमारी कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, कि शिक्षण की कहां कहां से हमारा जो अवधारणाएं होती है ना, हमारी सोच अवधारणा को अगर हम सोचे, अवधारणा को हम कहें तो हमारी सोच होती है, और सोच हमारी कहां से शुरू हुई है, प्राचीन समय से। अब उस प्राचीन को हम कहां से जोड़ते हैं, कैसे हैं, अब हम कहां तक पहुंचे हैं, ये हमारी सोच होती है। सिर्फ हमने इनका नाम दिया है इन चीजों के आधार पर, अवधारणाओं के नाम पर, जो हमारे शिक्षाविद थे उन्होंने इन्हें एक नाम दे दिया बच्चों। नहीं तो ये अवधारणाएं अगर हम देखें तो हमारे मस्तिष्क की, हमारे ये एक विचार होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि अगर हमारे शिक्षण की अवधारणाएं हैं तो हमारी वो अवधारणाएं हमारी कौन कौन सी हैं, उनका हम यहाँ वर्णन कर रहे हैं। हम देखें सबसे पहले हमारी जो शिक्षण की अवधारणा है वो तीन आधार पर है। शिक्षण के तीन आधार को माना है इन्होंने, यानी कि जहाँ से हमारी सोच का जन्म हुआ है। अगर हम देखें कि हमारा अगर किसी चीज में सोच हमारी पैदा होती है तो हमारी सोच कहाँ से पैदा होगी बच्चों, सबसे पहला क्यों, क्यों का रीजन हमारे दिमाग में हमेशा आता है कि हमें इस चीज की आवश्यकता क्यों है। तो ये चीज हमारी यहाँ से शुरू होगी, जो क्यों हमें कहाँ से जोड़ता है, हमारे दर्शन से, क्योंकि दर्शन में हमारे इन चीजों का विचार चलता है कि हमें क्यों चाहिए, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, इसका हमें किस चीज में हम इसका उपयोग करेंगे, क्यों करेंगे, ये हमारा एक दर्शन होता है, ये दर्शन शास्त्र से संबंधित होता है। तो हम देखें सिंपल भाषा में अगर हम क्यों शब्द से जोड़ते हैं शिक्षण के, तो वो हमारी कि हमें क्यों उसकी आवश्यकता है, इससे जोड़ दिया। शास्त्र से जोड़े तो ये हमारे दर्शन से जुड़ गया, हमारी सोच कौन सी, दर्शन विचारक हमारी सोच हो गई। और सेकंड हम देखें इसमें कैसे, यानी क्यों हमें आवश्यकता रही, और फिर कैसे, यानी कि हमने उसको कैसे संपन्न किया, ये हमारे कैसे शब्द से जुड़ता है। क्यों हमारा कारण बना उसको संपन्न करना, कि हम कैसे करेंगे, कैसे को हमने जोड़ दिया मनोविज्ञान से, क्योंकि कैसे, ये कैसे हमारे कार्य पर आधारित होता है कि
कि हम उस कार्य को कैसे करते हैं। तो ये हम जानते हैं कि चाहे हम विद्यार्थी कितने भी इंटेलिजेंट हो, या हम कहें कि मनुष्य स्वयं अपनी प्रवृत्ति, अपने मनोविज्ञान अर्थात अपने मन के विचार, मन की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, तो वहाँ हमारा मनोविज्ञान काम करता है। और वहाँ मनोविज्ञान काम करता है तो हम जानते हैं कि हम कहाँ तक हमारे उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं, या हमें कौन हमारे उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। अगर शिक्षक हमारा सही शिक्षण करवाते हैं तो वो बच्चों के लिए कैसे, मतलब कि उन्हें कैसे उन उद्देश्यों की पूर्ति करवानी है, ये वो ध्यान में रखते हैं। और मनोविज्ञान आधार पर कैसे रखते हैं, क्योंकि उन्हें उन क्षमताओं का, जिस स्तर पर विद्यार्थी है उस स्तर का उन्हें ध्यान रखना है। जब तक उन्हें बच्चों के मनोविज्ञान का उन्हें ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो अपने कैसे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें कार्य पूरा करवाना है, कैसे करवाना है, इसके लिए बच्चों हम इस चीज का ध्यान रखना होता है शिक्षक को, कि बच्चों की साइकोलॉजी क्या कहती है, अर्थात बच्चों से जो हम कार्य करवा रहे हैं उसमें बच्चे किस तरीके से रुचि ले रहे हैं या उसमें रुचि नहीं लेंगे, ये हमारा सबसे पहला होता है कि बच्चों को ये एक शिक्षक के सामने अपना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि हम सभी मानसिक स्तर के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनके मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए हमें किस तरीके से उनसे कार्य करवाना है, ये कैसे उनके लिए बहुत चुनौती होती है। क्यों तो हम कारण ढूंढ लेते हैं कि हमें ये कार्य क्यों करवाना है, क्योंकि उसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है। ये क्यों शब्द के पीछे हमारी समस्या होती है, हमारा उद्देश्य होता है, हमारा विषय होता है, और कैसे हमारी प्रक्रिया होती है कि हमें किस तरीके से संपूर्ण करना होता है। फिर आता है हमारा क्या, कि हमें आखिर इसकी उपयोगिता क्यों है, क्या है ये जो हमें उपयोग में ले सकते हैं हम, ये क्या शब्द हमें हमारी समाज से जोड़ता है, क्योंकि क्या है तो वो हमारी आवश्यकता होती है। क्यों हम उसे क्यों चुन रहे हैं, वो हमारी समस्या क्यों बनी, यानी हम उसको उद्देश्य के रूप में चुनते हैं, वो हमारा दर्शन। फिर हम कहेंगे उसे कैसे करवाना है, उसमें हम हमारे मनोविज्ञान को देखेंगे कि किस तरीके से हमें उसे सफल करवाना है। फिर आता है हमारा समाज शास्त्र, कि समाज शास्त्र के द्वारा कि क्या हमारे जो हमारा समाज है वो हमसे क्या चाहता है, क्या हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं क्या हम उससे हमारे समाज को जोड़ते हैं, या हम उस समाज में रहते हैं हमारी आवश्यकता पूरी होती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है कि शिक्षण के तीन आधार कौन से हैं, तो हमारे ये तीन आधार होते हैं। अगर आपको ये आंसर दिया जाए, ये क्वेश्चन में ऑप्शन होता है कि दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र, तो आपका ये भी राइट होगा, आपका ये आ जाए घुमा के क्यों कैसे और क्या, तो आपको ये आंसर देना है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि शिक्षण के तीन आधार कौन से हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आदर्शवाद, जो सेकंड आता है हमारा वो है हमारा आदर्शवाद। ये आप सभी जानते हैं कि आदर्शवाद जो हमारा सबसे प्राचीन समय था, जब हमने आदर्शवाद एक हमारा अत्यंत हमारा प्राचीनवादी सिद्धांत था, इसके आधार पर जिसका प्रभाव किसी ना किसी रूप में किसमें पड़ता था, हमारे प्रत्येक पक्ष पर, हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता था। क्योंकि ये प्रभाव क्या होता है, इसके अनुसार हमने पहले भी देखा था कि इसके प्रवर्तक कौन है। सबसे पहला हम ये जानेंगे कि हमारे जो आदर्शवाद है उसके प्रवर्तक कौन है, अरस्तु। ये हमको पता है अरस्तु, जो अरस्तु, मैंने शायद आपको पहले आदर्शवाद में अरस्तु की परिभाषाएं लिखवाई हैं, ना हो तो आप मेरे जो अपने नव भारतीय स्टडी सर्किल है वहां पर जाकर आप इस शिक्षण से संबंधित जो टॉपिक है आदर्शवाद से संबंधित, वहां आप जाकर देख सकते हैं, मैंने अरस्तु की आपको परिभाषा लिखवाई है। फिर भी मैं एक बार आपको अरस्तु की परिभाषा का मैं एक बार आपको डिफाइन कर देती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। अरस्तु ने कहा है कि हमारे शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक एवं बौद्धिक जो हमारे सद्गुण हैं, बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। यानी अरस्तु का कहना है कि शिक्षा को हमारे नैतिक मूल्य और हमारे बौद्धिक गुणों के, हमारे इन सिद्धांतों पर हमें कार्य करना है। क्योंकि आपको पता है कि हमारा आदर्शवाद था वो कैसा था, शिक्षक प्रधान हमने देखा था, इसमें अनुशासन को
हमने उदाहरण भी दिया था कि आदर्शवाद के टाइम पे जिस तरह से हमारे लिए राजा सर्वोपरि था, यहाँ हमारे शिक्षक सर्वोपरि थे। यानी कि हमें जहाँ प्रजा को राजा की आज्ञा का पालन करना ही पड़ता था। अगर हम शिक्षक के रूप में देखें तो अगर हम जहाँ शिक्षा से इसे जोड़ रहे हैं तो यहाँ हमारे लिए शिक्षक हमारे राजा थे और उन्हें छात्र को शिक्षक के आदेश की पालना करनी थी। अगर हम देखें कि हमारा पाठ्यक्रम था तो आदर्शवाद में शिक्षक के आधार पर हमारा पाठ्यक्रम बनाया गया था, यानी वहाँ छात्र की जो स्थिति थी बिल्कुल गौण स्थिति थी, एक तरीके से हम कहें बिल्कुल नग्न स्थिति थी। वहाँ पर जो प्रत्येक कार्य था वो कार्य हमारा सिर्फ और सिर्फ शिक्षक पर आश्रित है, यानी कि छात्र को किस पर आश्रित रहना था, शिक्षक पर। शिक्षक अपने आदेश देते थे और छात्रों को उन आदेशों का पालन करना होता था। और ये जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो छात्र की आवश्यकता को उन्होंने ध्यान में नहीं रखा। वहाँ शिक्षक अपने विचार के आधार पर, अपने सैलेज के आधार पर शिक्षा देते थे, आदेश देते थे, उन्हें अनुशासन में रहने के लिए दंड देते थे। तो ये सब चीज हमारे आदर्शवाद की एक निशानी थी। हमने इसे देखा है दर्शन में भी, हमने देखा था कि आदर्शवाद में क्या होता है, आध्यात्मिक यानी कि भगवान को मानना, बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास करना। तो यहाँ शिक्षक के ऊपर भी था कि शिक्षक को भी यहाँ हमने भगवान माना था, राजा माना था और यहाँ पर शिक्षक के आदेशों की पालना करनी थी। यहाँ हम देखें कि यहाँ की जो शिक्षा थी उसको तीन चीज पर जोड़ा था आदर्शवाद में शिक्षण की प्रक्रिया को। पहला नैतिक मूल्य, फिर है आध्यात्मिक नैतिक मूल्य, यानी कि हमें इतना शिक्षित करना कि हमें सदाचारी बने, हमें हमारे नैतिक कर्तव्य का ज्ञान हो, हमारे परिवार के प्रति हमारे क्या है, हमें बड़ों के साथ कैसा सलूक करना है। सिर्फ यहाँ का जो आदर्शवाद का जो सबसे अहम था शिक्षा का, इतना ही था कि वहाँ हमें छात्र को सिर्फ शिक्षित करना है। इनका मानना था कि शिक्षित व्यक्ति है जो क्या है, एक सभ्य नागरिक बन सकता है, अपने देश के अपने जो अपना कहते हैं कि हम अपने सद्गुणों का यहाँ पर जो हमारे शिक्षित व्यक्ति है वही हमारा सद्गुण आचित व्यक्ति होगा। फिर है आध्यात्मिक, सेकंड था हमारा आध्यात्मिक, यानी कि जो हमने पहले भी बताया था। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर सत्यम, शिवम और सुंदरम, इन तीन की यही हमारे तीनों है इसमें, सत्यम शिवम और सुंदरम, यही हमारे नैतिक आध्यात्मिक आत्मनिष्ठा, इन तीनों का इसमें समावेश था कि यानी हमें सत्य बोले, सत्य ही हमारा शिव है और शिव ही हमारा सुंदर है। ये हमारे ये क्योंकि एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति, यहाँ कहते हैं कि आध्यात्मिक का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर, सत्यम शिवम सुंदर की हमें सत्य बोले। अब सत्य यहाँ क्या बोलेंगे, जो शिक्षक ने कहा वो हमारे लिए सत्य है और वही हमारे लिए भगवान का आदेश है, और वही भगवान का आदेश है तो वही हमारे लिए सुंदर है अर्थात हमारे लिए हितकारी है। तो यहाँ पर यही हो गया कि सत्य कौन है, हमारे शिव, शिव मतलब हमारे शिक्षक, और शिक्षक जिसने बता दिया वही हमारे लिए सुंदर अर्थात हमारे लिए उपयोगी है। तो इन तीन पर ही था यहाँ पर नैतिक, आध्यात्मिक और आत्म अनुशासन, कि हमें आत्म अनुशासन में रहना है। और आत्म अनुशासन क्या था हमारा, कि जो हमें शिक्षक ने कह दिया वो हमारा सही। यहाँ से भी हमारे तो तीन दो क्वेश्चन बन गए। सबसे पहले कि आदर्श, जो हमारा आदर्शवाद था, आदर्शवाद के शिक्षण में किन किन मूल्यों को समावेश किया गया, तो हम दे सकते हैं, बता सकते हैं नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक और आत्म अनुशासन। या यो भी आ सकता है कि आत्म अनुशासन किस प्राचीन शिक्षा का देन था, तो हम लिख सकते हैं इसमें आदर्शवाद का। या फिर हम कह इसमें ये भी आ सकता है कि सत्यम शिवम सुंदरम किसकी देन है, तो हम दे सकते हैं आदर्शवाद की। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद के आपको पता है, मैंने पहले भी आपको प्रकृतिवाद में बताया था कि प्रकृतिवाद के जो प्रवर्तक हमारे थे वो प्रवर्तक हमारे कौन थे, हमने देखा था रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर जी ने हमें ये कहा था कि शिक्षार्थी को जो शिक्षा ग्रहण करवानी है वो शिक्षा कहाँ पर ग्रहण करवानी है, खुले वातावरण में, प्रकृति के सामिप्य में, प्रकृति के रहते हुए। इसीलिए उन्होंने तो एक कहते हैं शांति निकेतन की जब स्थापना की थी तो एक पेड़ के नीचे, जो पहले उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी वो एक पेड़ के नीचे, वो मानते थे कि बच्चे जितने प्रकृति के समीप रहेंगे उतना ज्यादा वो अपने
शिक्षा को ग्रहण करेंगे। उन्होंने ये कहा था कि हम किसी विद्यालय में किसी भवन के नीचे हमें शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने का उत्तम स्थान है हमारा प्रकृति के समीप। वो मानते थे चाहे बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़े, पेड़ के ऊपर पढ़े, लेकिन वो हमारी प्रकृति के समीप रहकर उसका अध्ययन करें। इसीलिए उन्होंने अपनी शांति निकेतन की स्थापना की थी, जो एक पेड़ के नीचे होते उन्होंने स्थापना की थी, जो आज हमारी विश्व भारती के नाम से हमारा आश्रम की जो शांति निकेतन है उसका नाम रखा गया है। और आगे बच्चों प्रकृतिवाद में सबसे पहले एक चीज और कही थी कि इन्होंने जो पुस्तकीय ज्ञान था, पुस्तकीय ज्ञान को, पुस्तकीय ज्ञान जो ये कहते थे कि हमें केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं होना चाहिए, कौन सा ज्ञान भी होना चाहिए हमें, व्यवहारिक ज्ञान भी। पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। और व्यवहारिक ज्ञान हमें कब होता है, जब हम प्रकृति के समीप रहें। ये हमारे प्रकृतिवाद का मानना था। दूसरा, इन्होंने क्रियाशीलता पर जोर दिया, यानी करके सीखना, करके सीखने पर इन्होंने जोर दिया कि बच्चे हमेशा जितना होता है कार्य को जल्दी कब सीखेंगे, जब वो स्वयं उस कार्य को करेंगे, यानी कि करके सीखना, करके सीखने पर जोर दिया, करके सीखने पर उन्होंने अत्यंत जोर दिया था। एक है कि जो प्रकृतिवाद थे उन्होंने निषेधात्मक शिक्षा को सम्मिलित किया था, जो हमारे करके सीखना है पुस्तकीय ज्ञान को नहीं मानकर व्यवहारिक ज्ञान है, ये हमारा निषेधात्मक शिक्षा पर है। निषेधात्मक बच्चे ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकृतिवाद में कौन से शिक्षा पर जोर दिया गया, तो ये है हमारा निषेधात्मक शिक्षा पर जोर दिया, प्रकृतिवाद में इसको सम्मिलित किया गया था। इसके अनुसार हम असत्य के मार्ग से बचते हैं और क्रिया के द्वारा हम सीखते हैं, यानी कि हम सिर्फ कही हुई चीज को नहीं सीखते, हमें करेंगे नहीं जब तक उस चीज को नहीं सीखेंगे। तो ये रहा हमारा प्रकृतिवाद का। प्रकृतिवाद में दूसरा जो था वो है डाल्टन द्वारा प्रस्तावित हमारी शिक्षण विधियां भी इसके लिए प्रमुख है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अलावा डाल्टन की भी, डाल्टन की जो शिक्षण विधि थी, शिक्षण विधि थी ये जो निषेधात्मक, ये विधि भी हमारे लिए इसके लिए महत्वपूर्ण थी, ये भी प्रकृतिवाद के थे, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर है हमारा प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद का हमने देखा कि जैसे प्रकृतिवाद करके सीखने पर थी, उसी तरह से ये भी क्रियाशीलता व्यवहारिकता पर जोर देते थे, यानी कि हमने जो सीखा सीख रहे हैं उसे हम प्रयोग में लें। यहाँ प्रयोजनवाद में हम प्रयोग करते हैं, और इसके हमें पता है इसके प्रयोग, इसके जो हमारे प्रवर्तक थे वो कौन थे, जॉन डिवी। इसके थे हमारे जॉन डिवी, जिन्होंने हमारी प्रयोगशालाओं की विभिन्न विभिन्न जो हमारे प्रयोगशालाओं की स्थापना हुई थी वो हमारे जॉन डिवी की देन थी। इन्होंने ही प्रयोगशालाओं की स्थापना की थी, क्योंकि इनका मानना था कि हम बच्चों को जितना करवाएं, जिन्हें हम सिखा रहे हैं उन्हें प्रयोग में लेकर सीखना चाहिए, और प्रयोग में लेंगे और जब हम उसे अपने व्यवहार में उतारेंगे, जब भी वही शिक्षा, यानी ये मानते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसे हम प्रयोग में लें और हमारे व्यवहार में हो, वही शिक्षा हमारे लिए हमारे एक आवश्यक शिक्षा होती है। इसमें प्रयोगवाद भी यही कहता है कि क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसमें हमारे पूर्व निश्चित हमारे आदर्शों और सत्यों को वो नहीं मानते थे, क्योंकि मैंने कहा क्योंकि ये सिर्फ क्रियाशीलता पर जोर देते थे, प्रयोग पर जोर देते थे, इसीलिए पहले किसने क्या कहा है इस पर वो ध्यान नहीं देते थे। उनका था कि हमने जो जो सुना उस पर हमें विश्वास नहीं करना, हमें जो हम आज कर रहे हैं, हम जो प्रयोग में ले रहे हैं, हमें उस पर ध्यान देना है। तो ये हमारा प्रयोजनवाद था। प्रयोजनवाद में भी हमारे आ सकता है कि प्रयोजनवाद में किस तरीके की शिक्षा दी गई, तो ये हम बता सकते हैं कि क्रियाशीलता और व्यवहारिकता पर जोर दी गई, और इसके प्रवर्तक थे हमारे जॉन डिवी। फिर है इसका हमारा अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद में क्या कहा जाता है, अस्तित्ववाद के जो हमारे प्रतिपादक थे वो थे हमारे किर्कगार्ड, जो हमारे इसके प्रतिपादक थे, प्रतिपादक थे हमारे इसमें किर्कगार्ड, जो इन्होंने हमारे अस्तित्ववाद को, किर्कगार्ड
किर्केगार। ये इसके हमारे कौन थे? वे अस्तित्ववाद के हमारे प्रतिपादक थे किर्केगार। ये उन्हें कहा था कि अगर मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं ऐसा सोचता हूँ इसीलिए मैं सोचता हूँ कि ये मेरा अस्तित्व है। अर्थात इन्होंने एक तरीके से व्यक्तिवाद पर, हम अस्तित्ववाद को व्यक्तित्ववाद भी कहेंगे, व्यक्तित्ववाद भी कहेंगे। इन्होंने स्वयं के ऊपर जोर दिया। अर्थात इसके लिए हम कह सकते हैं कि हमें अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हम अपने पूर्णते आया उन लक्ष्य की प्राप्त करते हैं। हम मानते हैं ना इस चीज को, हम जीवन किसके लिए जीते हैं? हम जीवन हमारे श्रम के लिए जीते हैं। तो हमारा अस्तित्व ही हमारा जीने, हमें हमारे श्रम की, व्यक्ति जब तक श्रम की आवश्यकता नहीं होगी वो उस ज्ञान को नहीं लेगा। तो अस्तित्ववाद यही कहता है कि उसे अपने अस्तित्व में रखने के लिए हमें अपने जो उद्देश्य है, स्वयं के व्यक्ति के जो उद्देश्य है वो उन्हें पूरा करना चाहिए। सबसे पहले व्यक्ति समाज की आवश्यकता है, लेकिन वो जहां तक हो पहले वो अपनी स्वयं की आवश्यकताएं देखता है कि उनकी आवश्यकताएं क्या है। ये है फिर है हमारी योग शिक्षा। योग शिक्षा के लिए आपको बताया गया है पतंजलि बाबा रामदेव इसके सबसे, इसके प्रवर्तक जो रहे, इसकी स्थापना करने वाले रहे योग शिक्षा की, बाबा रामदेव पतंजलि के नाम से इन्होंने एक अपना भारत दर्शन के इन्होंने 6 रूप माने थे इसमें, कि योग उन 6 में से पतंजलि के योग दर्शन में से एक छठा है, जिसे हमें योग, क्योंकि आज हमें स्वस्थ रहने के लिए हम जो प्रकृति के समीप रहते हैं, मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए योग शिक्षा अनिवार्य होती है। कहते हैं कि स्वस्थ जो हमारे स्वस्थ मस्तिष्क में, हमारे स्वस्थ शरीर में एक अच्छे मस्तिष्क की जगह होती है। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा हम खुद भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो हमें अगर ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेना है, मेहनत करनी है, तो हमें स्वस्थ रहना है। तो स्वस्थ अगर व्यक्ति को रहना है तो उसके लिए योग शिक्षा सबसे ज्यादा अनिवार्य होती है। स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये हम योग शिक्षा के लिए मानते हैं। और हम देखें कि योग शिक्षा के अंदर जो हमारे ऋषि पतंजलि योग शास्त्र के रचयिता माने जाते हैं, ऋषि हमारे जो थे इसके बाबा रामदेव पतंजलि, जो ऋषि पतंजलि इसके हम, इन्होंने ऐसे बहुत से मन की योग, मन की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की हमें विद्या दी थी कि किस तरीके से हम योग करके हमारी जो इच्छाएं हैं हमारी, इन चीजों पर हम काबू कर सकते हैं। या हम कहें कि हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें इस शिक्षा का, ये शिक्षा लेना हमारे लिए अनिवार्य है। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो हमारी सीखा थी कि शिक्षण की कौन कौन सी अवधारणाएं होती हैं। इसी तरह से नेट से संबंधित मैं और आपके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाती रहूंगी। धन्यवाद।